कर्मों की निर्जरा से ही मोक्ष मार्ग का कोई भी पद प्राप्त होता है। चार घातिया कर्मों को नष्ट करने से अरहंत पद की प्राप्ति होती है। लेकिन पूज्यवर कुंदकुन भगवान ने पुण्य फला अरहंता, जब पुण्य चरम सीमा पर उदय पे आता है तब अरहंत पद की प्राप्ति होती है। तो दोनों चीज़ें मानना, बाधक कारण का अभाव और साधक कारण की उपलब्धि। बाधक कारण था चार घातिया कर्म। चार घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियाँ होती हैं, ये सभी पाप प्रकृति होती हैं। और जो घातिया कर्म होते हैं वे जो हैं उनमें पुण्य और पाप दोनों होते हैं। तो पुण्य के तीव्र पुण्य के उदय से ही अरहंत पद की प्राप्ति होती है। पाप बाधक रूप है, पुण्य साधक रूप है।